नमस्कार, जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत परीक्षा उपयोगी प्रश्न एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि को सचित्र समझाइए तथा इसके उपयोग लिखे। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम चित्र समीकरण एवं उपयोग सहित जानेंगे। तो आइए, एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि को चित्र के माध्यम से जाने। तो एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि में जो उपकरण प्रयुक्त होता है वो बाल्टी नुमा होता है। तो विधि का वर्णन इस प्रकार से कह सकते हैं, इस विधि में एक बाल्टी नुमा पात्र होता है जिसके निचले भाग में कई छेद बना दिए जाते हैं तथा छेद बनाने के पश्चात पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छीलन भर कर इसमें ऊपर से तनु किया हुआ एथिल एल्कोहल धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। लकड़ी की छिलन के साथ में अमोनियम सल्फेट का विलयन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात माइक्रोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया के भोजन के लिए यहाँ पर अमोनियम सल्फेट मिला देते हैं। अमोनियम सल्फेट माइक्रोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया के लिए भोजन का कार्य करता है। तो ऊपर से तनु किया हुआ एथिल एल्कोहल का विलयन गिराते हैं तो माइक्रोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया एथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए हम इसे पुनः जाने समीकरण के माध्यम से। तो इस विधि में एल्कोहल के तनु विलयन का ऑक्सीकरण वायु के द्वारा माइक्रोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में किया जाता है। इस प्रकार से समीकरण के माध्यम से एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण माइक्रोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो माइक्रोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया ऑक्सीकरण की प्रोसेस द्वारा एथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर तनु किया हुआ एथिल एल्कोहल धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। तो तनु एथिल एल्कोहल माइक्रोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। इस प्रकार से एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। आगे जाने हम तो ये जो विधि होती है, इस विधि में एक बाल्टी नुमा पात्र जिसमें निचले भाग में कई छेद हो, इस प्रकार से छेद पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भर कर ऊपर से एथिल एल्कोहल का 10% विलयन धीरे धीरे नीचे गिराते हैं जिसमें थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट मिला हुआ हो। अमोनियम सल्फेट यहाँ पर माइक्रोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया के लिए भोज्य पदार्थ का कार्य करता है तथा नीचे तनु एसिटिक अम्ल या सिरका एकत्रित हो जाता है। इसमें अमोनियम सल्फेट बैक्टीरिया के भोजन के रूप में कार्य करता है तथा नीचे तनु एसिटिक अम्ल या सिरका एकत्रित हो जाता है अर्थात ऊपर से तनु किया हुआ एथिल एल्कोहल गिराते हैं। तो एथिल एल्कोहल को माइक्रोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया ऑक्सीकृत करके एसिटिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। तो एसिटिक एसिड जो प्राप्त होता है तनु होता है, इसको और अधिक सांद्र बनाने के लिए पुनः बार बार इस प्रोसेस से गुजारा जाता है अर्थात जो सिरका प्राप्त होता है तनु होता है, इसको अधिक सांद्र बनाने के लिए पुनः ऊपर से बाल्टी नुमा पात्र में नीचे माइक्रोडर्मा एसिटिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में डाला जाता है तो तनु एसिटिक अम्ल सांद्र हो जाता है। तो इसको हम आगे जाने। इस तरह प्राप्त अम्ल को कई बार ऊपर से नीचे उपकरण में डालते हैं तब एसिटिक अम्ल का सांद्रण बढ़ जाता है अर्थात बार बार इस प्रोसेस को करने से तनु एसिटिक अम्ल सांद्र होते जाता है। आइए अब हम इसके उपयोगों पर चर्चा करते हैं। तो एसिटिक अम्ल के उपयोग इस प्रकार से, प्रथम उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक व विलायक के रूप में, दूसरा सिरके के रूप में अचार व चटनी आदि बनाने में, अर्थात भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेथिल एसिटेट, एथिल एसिटेट व अन्य एस्टर बनाने में एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है। इस प्रकार से आज हमने एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि का सचित्र वर्णन एवं उपयोग जाने। थैंक यू।